हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। गेयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल ड्रिलिंग मशीन के पास और उसकी वर्किंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन है, इसका नाम है टेबल ड्रिलिंग मशीन। इसका नाम ऐसा है क्यों है, क्योंकि एक टेबल के ऊपर आप इसके वर्क कर सकते हैं इसलिए, और ड्रिलिंग कर सकते हैं इसलिए इसका नाम टेबल ड्रिलिंग मशीन है। तो इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बता दूं आपको। ये हमारा मेन टेबल है जिसके ऊपर हम होल्डर रखा हुआ है। कौन सा है कि जो जॉब आप बनाना चाहते हैं उसको, जॉब को होल्ड करने के लिए यहाँ होल्डर है। और इसके बाद हमारे पास ये कॉलम है, ये कॉलम, इसको कई बुक्स में पिलर भी लिखा होता है और कॉलम भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो यहाँ हैंडल है आप देख सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं आप इसे नीचे, ठीक है। इसके साथ मूवमेंट है जो ये ऊपर नीचे होती है। और यहाँ पे हमारे पास चक है, ड्रिलिंग चक बोलते हैं इसे। आप इसे मूव करके टाइटनेस इसकी इंक्रीज कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ड्रिल है वो हम यहाँ पे फिट करते हैं इसको, और इसको जब हमने टाइट करना है यहाँ पे आप इसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो की है इसके लिए वो उसके इसके साथ हम इसे टाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको ऐसे आपने टाइट कर देना है। तो जो हमारे पास ये ड्रिल हमने इसमें टाइट की है वो 10 mm की है, ठीक है। इसके और पार्ट्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप्ड पुली है, ये स्टेप्ड पुली है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये है और एक इस साइड है। तो इसका आप देख सकते हैं ऊपर वाला, ये दोनों का पार्ट्स देख सकते हैं। ये बड़ा होगा तो ये छोटा है, ठीक है। ये छोटा साइज है तो ये चेंज हो जाएगा, इसका सबसे छोटा ये पार्ट है तो ये सबसे बड़ा है। तो स्टेप्ड पुली का यही है कि वेलोसिटी रेशियो को चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पास होता है। और यहाँ पे हमारे पास मोटर है, तो मोटर को हमने एसी पावर दे रखी है। तो जब भी हमें पावर ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि छोटी पुली से बड़ी पुली के साथ चलेंगे, और हम इसको बेल्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है जो कि वी बेल्ट पुली है। हमारे पास ये है, इसकी मैं थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाऊंगा आपको। एक जो ड्रिल, मेरे पास ये एक जॉब है, इसके ऊपर 10 mm का ड्रिल करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको रख के टाइट करता हूँ। आपने इसकी जो सेटिंग करनी है, तो हमारे पास ये जो टेबल है इसको आप इस हैंडल की मदद से टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं। और जहां आपने सेटिंग करनी है इसकी, टेबल को मूव करके आप इजिली मूव करके अपनी पोजिशन पे ला सकते हैं। तो आपने पहले मार्किंग कर लेनी है यहाँ पे, और जो जॉब के ऊपर मार्किंग करने के बाद एग्जैक्ट ड्रिल को सामने लाने के बाद इसको टाइप करने है। और टाइप करने के बाद हमारे पास तो ये टाइट हो चुका है। अब ड्रिल हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ड्रिल मशीन हम कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग करके दिखा रहे, ड्रिलिंग हो रहे हैं। हम इसको चलाने के लिए ये लुब्रिकेटिंग या कटिंग ऑयल यूज करते हैं, हम कटिंग ऑयल यूज करते हैं। इंस्टेड हमारे पास अभी पानी है तो हम पानी यूज कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने ड्रिल कर दिया है, तो 10 mm का ड्रिल हमने किया है। अकॉर्डिंगली आपने ड्रिल करना होता है जैसे आपको चाहिए होता है।